रेहान गुड मॉर्निंग। सारा गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट के लिए चले? हाँ चले। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदी सबके जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। अभी मैं सो के उठी हूँ, मैं थोड़ी देर वॉक कर रही थी। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। कल पता है मैं खाली लोगों के रूम में ही सो गई, उनसे बात करते करते बहुत ही मज़ा आया। और अभी चलिए देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। आज जो भी करेंगे वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। उठ गए? ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जा। रात में डर तो नहीं लगा? रात भर आवाज आ रही थी इसकी, डर तो नहीं लगा? हाँ डर लगा तो ठंडी आवती है, खर खर हवा आवती। चलो फ्रेंड्स, जब तक सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रहे हैं तब तक मैं आंवला जूस पी लेती हूँ। अभी मैंने पानी को हल्का सा गुनगुना होने के लिए रखा है। फ्रेंड्स आंवला जूस में इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं इसे एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसे यहाँ भी लेके आई। आप सबको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, आंवला जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें हाई पोटेंसी विटामिन सी होता है, तो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स तो मैं तो रोज ही आंवला जूस लेती हूँ। और फ्रेंड्स मैं लेती हूँ ये न्यूहर्ब्स का 99.9% आंवला जूस। फ्रेंड्स ये आंवला जूस एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक आंवला से बना है, इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं है। और मैं इसे एक ग्लास पानी में, गुनगुने पानी में 1 टेबलस्पून लेती हूँ। ये स्पून थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने 2 लिया है। न्यूहर्ब्स का 99.9% आंवला जूस प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक और वाइल्ड आंवला से बना है फ्रेंड्स। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है इन्होंने, ना ही कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर है। और फ्रेंड्स ये ग्लूटेन फ्री है और लेबोरेटरी टेस्टेड भी। मैं तो इसे रोज लेती हूँ अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी स्किन के लिए और अपने डाइजेशन के लिए। आप भी चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। और अंडे ले लो एक अम्मा। आपने कितने बोले हमने? एक आपको, तुमको 2 मसाला होंगे। तुम क्या ले रहे हो? ये तुम ये भी है ये। और कुछ वो सब भी तो खाओ। 2 अम्मा तुम्हें इनमें से अभी क्या ला के देना? अपनी अपनी प्लेट दिखाओ अम्मा को। अम्मा आलू का पराठा चाहिए क्या? आलू का पराठा या तरबूज? क्या तरबूज? आलू का पराठा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, सबने अपना अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है और अभी हम लोग कुछ खा ले, उसके बाद कोई चाय पिएगा। और अभी ये खाला का डोसा बन के आया है तो मैं ये भी टेस्ट कर रही हूँ। किस किस को साउथ इंडियन फूड पसंद है? आपको ऑमलेट इतना पसंद आता है ब्रेकफास्ट में, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ये सब देसी खाना जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा है। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे सबके साथ, ऐसे हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल के ही रहना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। अम्मी भी हमेशा ऐसी कहती है, लेकिन ये रिज़ा हिल क्यों रही है खाने में? और अभी मैं जा रही हूँ सबके लिए चाय लेने। वो थोड़ा लूज़ था तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, लेकिन कोई कोई इंसान कितने स्वीट होते हैं, उन्होंने मेरी हेल्प करी, बहुत अच्छा लगा। चले क्या करना है अभी? तो घुमा दें इनको। कहाँ? नहीं बाहर नीचे वाला। चालू हो गया फोटो क्लिक कराना। हो गई क्लिक? आ गई अच्छी? रिजा अच्छी नहीं लेती ना? रिजा अच्छी क्यों नहीं लेती हो फोटो? हाँ ऊपर थोड़ा वैसा फील आता है, नीचे बस ये है कि इधर हो जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि क्या करो, वहाँ गार्डन वार्डन है। चलो चलो बोलो ना, किसी और का रूम में, किसी और का रूम में क्या किसी और का रूम है। पिछली बार जब आपने किसी और का, कोई बात नहीं, हम कौन कुछ लेके जा रहे हैं। जब 4 साल पहली बार 4 साल हो गए पहली बार आया तो हमने यही खिंचवाई थी, इसी रूम में रुके थे, इसलिए मेरा मन कर रहा तो मन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी लोकेशन मिल गई है, तो अभी जो मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करनी है अपने आउटफिट में, तो मैं अभी जाऊँगी, रेडी होंगी और रिजा के साथ यहाँ पे आके फ़ोटो क्लिक कराऊँगी। देखना इन सब का भी पहले हो जाए फिर हम अपना कर लेंगे। अपनी फ़ोटो क्लिक करा लो है? उनके साथ करेंगे। तुम लोग अपनी क्लिक करो, अम्मा के साथ क्लिक करेंगे। चलो अम्मा स्माइल करो। हाँ सर ठीक है। फ्रेंड्स मॉडल सबीना, मॉडल मदीना और मॉडल सितारा अवेलेबल है। अगर कोई भी कैटलॉग शूट कराना है या कुछ भी कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको इनका नंबर दे दूँगी। ठीक है हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। अम्मी हमने कहा मॉडल सितारा, मॉडल मदीना, मॉडल सबीना कैटलॉग शूट मॉडलिंग के लिए रेडी है, तो कोई भी ऑफर हो तो इन्हें कांटेक्ट करें। चलो स्माइल आ गई आ गई आ गई, अच्छी है। चलो चलो अब चलो, अब ऊपर चलो। चले अरे अम्मी का नहीं खत्म हो रहा। अम्मी चलो, इनको हर फूल के पेड़ के साथ एक फोटो लेनी होती है। देखना छुपकली ना आ जाए। अम्मी कहाँ जा रही हो? आ गई चलो। एक्चुअली आई जस्ट बहुत 2 दिन पहले मैंने के लेके था जीवा कमिंग कांग्रेस फॉर द मिलियन एंड वी बॉट योर लियोलॉजी सबसे ड्राइवर। बहुत वीडियो, अरे इन लोग खत्म ही नहीं हो रहे। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर और उसके बाद कुछ करेंगे, तो तुम शाम यही कर देंगे। मेरे फोटोशूट कब होंगे इनके फोटोशूट के चक्कर में? गुदगुदी कर रहे हट ना रही थी यहाँ से। हम कह रहे बीच में आ जाओ तो कह रही हम बीच, तुम बीच में जाओ, हम किनारे में लेटेंगे। हम ना उठ रहे दुनिया तुम्हारी हंसी पे हंस रहा है बेटी। खाला सब कह रहे खाला ने बहुत हंसा दिया उस दिन। गुदगुदाया था हम पे। तुम लोग छोटे में भी ऐसी लड़ाई करते थे? एक-एक का बक्सा फेंक देते थे। क्या सूटकेस? सूटकेस बक्सा क्या कहते? तुम लोग लड़ाई करते थे क्यों? ऐसे किसी बात में हो जाती थी, काम पे कहीं लड़ जाते। जोर से बोल ये अभी ना भाभी ऐसी संतोष तुझे दे, तेरे कैमरे में देख रहे मुझे देख रही है क्या बोले कैसे बोले। तो अभी पता है क्या कह रहे? दोनों एक दूसरे को गुदगुदा रहे हैं। वो बोल रहे तुम इधर किसको, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते तुम इधर किसको, तुम इधर किसको। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग लड़ते हैं, तो बोल रहे हम दोनों एक दूसरे को सूटकेस भी फेंक देते थे उठा के, इतना लड़ते थे। अब तो तुम बोलोगी नहीं, बताओ। हम लोग तो ब्रेकफास्ट करा है। कैसा था? अच्छा था। एंजॉय किया सबने? हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ तो बताओ कौन ज्यादा लड़ाई करते था? दोनों दोनों। और किस बात पे? बस कभी काम में, कभी खाने में, कभी कोई काम। मतलब कैसे काम में? जैसे बेटी खाले एक जगह बैठ जाती थी, हमें ये उठा दे, हमें ये उठा दे, हम छट जाती थी, हम कहती थी हम बना लेंगे। अच्छा तो अच्छा तो एक जगह चूल्हे पे पास बैठ के हम उठा के सब दे दो। जैसे चला फिरी का करती थी, थक जाती थी तो ये फिर हमसे लड़ जाती थी। हम भी लड़ जाते, हम इसको बहुत तेज नोच लेते थे, बहुत तेज। फिर ये मेरा सूट केस उठाइए यार, बुंदे का जो सभी अपना सामान रखे से नीचे मेरा फेंक दे, मैं इसका फेंक दूं। वो दिन याद आते हैं ना, अच्छा लगता है। अब वो दिन चाह के भी नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। अब वो कहीं, हम कहीं, अम्मी बेचारी कहीं। अब लगता है मिल जाए तो सामने लगता है कि सो नहीं, रात में बातें करते रहो ना। सही बात है। आ गया बाबू, सो के उठ के आ गया। कटोर की नोज ही बह रही है। ओह क्या हुआ? वो ऐसे देख रहा है। टिश्यू दे दो रिजा। ये कडल साफ हो गया। आ गई। फिर ये क्या है दिखाओ? ये लिव लॉस है। क्या है? लिव लॉस। और ये हाथ में क्या है? ये शीशा है छोटा। अच्छा, इसमें मिरर भी है, कंघा भी है। हाँ, दोनों चीजें। चलो फोटो क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आउटफिट है ये। वही 503 पे उंगल रात को चीजों की बड़ी याद आ रही थी मुझे बेड पे। बोल फ्रेंड्स, देखो ये लोग सब कितने आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसे कौन करता है? ऐसे सुकून दोपहर की ऐसे बता रहे हैं। मतलब कोई भी डेला में आया होगा तो इस तरह से बैठ के नहीं किया होगा। क्या करें, 3 कुर्सी है। और हम जैसे देसी लोग नीचे बैठे, तो सब एक तरह के लोग हैं। हम लोग देसी लोग, और हम लोग को ऐसे ही पसंद है। हम लोग तो एरोप्लेन में भी ऐसे ही बैठ के गए थे ना, नीचे शोएब नीचे बैठे हैं, हम दोनों उसके सीट के ऊपर चौकड़ियों की मार के आराम से। इसी में मजा है, इसी में सुकून मिलता है। हाँ, इसी में खुशी है। कुर्सी में बैठो और गिरो। अम्मी तो बहुत गिरती है, हर बार आती है तो गिरती है। अम्मी का एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए अभी अम्मी उसमें नहीं बैठती। खाना हो गया आप लोग का? नहीं खाया, नाश्ता इतना ज्यादा कर लिया, पेट। हाँ, थेपले भाभी जो इतने सारे थेपले लेके आई है, वो 2-3 दिन चलते हैं, घर जाके भी लगता है उसी में खा ले। फोटो क्लिक हो गई और अभी बचा ये, कल हमने 2 कर लिए थे, आज ये अभी 4th हो गया और अभी ये वाला है और उसके बाद एक और बचा, इसके बाद कुछ और करना। खाला से लिपस्टिक मांगी तो उन्होंने मुझे वही, मुझे 10 रुपए वाली आती है ना, वाली नहीं है, 50 रुपए वाली। अच्छा 50 की हो गई। मुझे अच्छा रेट बढ़ गया, लेकिन ये है वही लिपस्टिक जो अम्मी लगाती है, ये भी लगाती है, तुम भी ऐसी लगाती हो? हाँ, ये जो पिंक हो जाती है। बहुत पुरानी है। इतनी जल्दी बोला कि अब रेट बढ़ गया, पहले 10 की आती है, अब 50 नहीं जाओ। ये देखो फोटो क्लिक हो रही है। अच्छी नहीं ले रही क्या ये? नहीं अच्छी तो ले लेना, लाओ हम ले लेते हैं। चलो सारा तुम्हारा काम आसान करो। हाँ चलो बिल्कुल। चलो और चेंज करो कुछ और जल्दी आप केक लेकर आइए। और हो गया, आ गया। दो सारा अभी तो निकाला तुमने हाथ में। कौन सी पेन? दूसरा वाला पेन अभी फिर से ये क्या बोल रही थी तुम अभी? आप गैस करिए, आप बिल्कुल डैश लग रही है। तुम बताओ। ब्यूटीफुल नहीं, मोटी नहीं, लवली क्या? लवली नहीं, जल्दी बताओ फिर, सस्पेंस मत करो। मोस्ट ब्यूटीफुल डॉल। ओह थैंक यू सारा। इन लोगों की फोटो नहीं खत्म हो रही है, कसम से। मम्मी अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। ठीक है, क्या सोच में पड़े हो? व्लॉग बनाओ, वेट कर रहे होंगे सब। तुम बनाओ, ये बनाए। नहीं आप बनाओ, एनर्जी लेके आओ। चलो हमारा हो गया। तुमको नहाने जाना है, तुम कैसे काहे हो गए? जाओ कटल ढा के आओ। गिर गया ना? हाँ। गिर गया तू? कितनी बार गिरा? बच्चा गिर गया, जोश लगी। सब लोग आज बैठे हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ एक फोटो ले लेती हूँ। हमारी फोटो साथ में बहुत कम होती है। तो कटल एक बार गिर चुकी हो, आप मत कोशिश करना। फ्रेंड्स देखना भाई, अब मैं एकदम ऐसे वो जो खड़ूस नंद होती है ना, वैसे बोलने वाली हो डायलॉग कि भाई कभी मेरी भी इतनी मेहनत से खींच दिया करो। नेचुरल आज आउटफिट, ओह शिट फिसल जाती। का दुपट्टा ये बनी वाले आउटफिट के साथ मैच कर लिया, मैंने आपको बताया था और मुझे लग रहा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और देखिए इस सब के चक्कर में रूम की क्या हालत कर दी है, और लेकिन फाइनली फोटोज क्लिक हो गई है और अभी हम रूम साफ करेंगे, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग एडिट करूँगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जितने भी सारे फोटोज क्लिक करे थे वो सब मैंने क्लिक कर लिया, मैं सिर्फ एडिट करूँगी और आराम से जाके डालती रहूँगी। मेरे इंस्टाग्राम का सारा काम खत्म हो गया, अब जो नेक्स्ट कोलैबोरेशन आएगी फिर उसको क्लिक करेंगे। अभी बर्थडे तक थोड़ा आराम करेंगे, अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके शिल्पी, हाँ फ्रेंड्स मैंने इसको सेकंड टेक लेने के लिए बोला था कि आपसे क्या छुपाना, क्योंकि जब ये आई थी इसका यही रिएक्शन था कि हो गई शिल्पी ये, अब वो रिकॉर्ड तो हुआ नहीं तो मैंने कहा एक और बार कर दो, अच्छी एक्टिंग कर सकती हो सारा। सारा ने आके बोला था फाइनली ये, ऐसे खाला ने भी आके बोला हो गया, चलो तुम्हें सुकून मिला। चलो फिर से बोल के बताओ क्या बोली थी। चलो हो गया है ना, तुम्हें भी कल जाके सुकून मिलेगा, है ना, के लिए रेस्ट आराम करना। देखो मैंने आज सुबह दिन का भी खाना नहीं खाया, मैं जब से कर रही हूँ ना। चलो बेटा आप कल करना, सुबह से दिन भर खाना, दिन भर आराम से बनाना ब्रेड खा रही हूँ भाभी वाली। नहीं अम्मा को भी वो टाइम था ही नहीं, लेकिन आप जब ये बिग बॉस का घर बन चुका है। फ्रेंड्स अभी मैं अपना मेकअप रिमूव कर लूं, उसके बाद जाके चाय वाय पियेंगे। आज पूरा दिन इसमें निकल गया लेकिन अच्छा हुआ। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, और जो कपड़े आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको खरीद भी सकते हैं। सबके ब्रांड्स को मैं टैग कर देती हूँ। कैसा लगा वॉशरूम का वीडियो देख के? मजा आया। हमें अब तो सीख गए। हाँ आप सीख गए, तुम्हें मजा आया? बहुत हंसी आई, बहुत ज्यादा हंसी आई बेटी। का लगा कैसा लगा हमें? क्या कैसा लगा? हंसने के अलावा और क्या लगेगा? जितना अच्छा सामने लगता उतना अच्छा कैमरे में नहीं आता। नहीं शरीफ जाने की तैयारी हो गई, हो गई। बहुत मजा आया, मजा आया ना सारा? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत शरीफ बहुत अच्छा लगा। तुम्हें बहुत ख्वाहिश थी तो वो पूरी हो गई। हाँ। और अभी कहाँ शरीफ के बर्थडे में मिला। स्विमिंग पूल में जाना है? तुम्हें नहीं डर लगता पानी से? हो गई जाने में। टेंशन पड़ी होगी कभी कार में जाना। हाँ। वही दिमाग रखा है। अब फिर पन्नी है, पन्नी सबसे पहले रख ली। क्या बोले बस, और समाज में हर फर्ज अच्छा रखे। जाते वक्त भी बड़ा ही अच्छा वेलकम मिला बैंड बाजे के साथ। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग की तो आदत है, शायद इन लोगों को ज्यादा बुरा लग रहा है ना, पहली बार जाने में अफसोस लग रहा है। कोई नहीं इंशाल्लाह फिर आएंगे। आप कहीं और चलेंगे अम्मी, मतलब जाते जाते भी। हाँ कितनी फोटो आपका भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना देते हैं। हाँ तुम लोग साथ में होते हैं। अम्मी को भी सूट भेजो, अम्मी उसमें कोलैबोरेशन करेंगी। और देखो कितने अच्छे से सूट अम्मी पहनती हैं, डिजाइन डिजाइन करके। ये देख लीजिए इसकी स्लीव्स, ये कुर्ता मेरे लिए आया था और इसमें स्लीव्स छोटी थी। क्या थी अम्मी? स्लीव नहीं थी। हाँ, स्लीव नहीं हो रही थी। हाँ तो देखिए अम्मी गई मार्केट से, ऐसा कपड़ा लिया, उसको इस तरह से ज्वाइन करवाया, नीचे बॉर्डर की यहाँ पे पट्टी लगाई, और कौन कहेगा कि ये इस तरह से बन जाएगा। ये बंगले बने नाजुक है। नहीं नहालो? शौक है ना स्विमिंग पूल का, इसी में चले जाओ। इतनी फोटो होने के बाद आप कह रही हैं कि वो अंदर फूल लगे वहाँ ले चलो। चलो चला जा। अम्मी नहीं यहाँ चलो, भाई वेट कर रहा होगा, टैक्सी आ गई होगी। चलो घर पे लगवा देते हैं गुलाब का पेड़, ठीक है? ठीक है लगवा दो, ले ले। अरे अम्मी हमसे बर्दाश्त होता, क्या करें फूल देख के। फूल है या पत्ती? जो भी हो आगे चल बस। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? जाओ बैठो रेजा, कार अभी शायद लॉक है। बोलो शानू भाई से, क्या बोलो शानू भाई? सो गर्मी लग रही है, चलो अल्लाह करे ना हो। हाँ। कैसी चलिए फ्रेंड्स, इस बार के लिए डायलॉग को अलविदा कहने का वक्त आ गया। उम्मीद करते हैं कि जितना हमें मज़ा आया उतना आपने भी एंजॉय किया होगा। इतने सारे प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।